सच्चा सौदा की तरफ से एक तरह, मतलब मैं समझता हूँ कि बाबा का इसमें उनके निर्देश से ही हुआ होगा या उनकी जानकारी से, उनके सहमति से कि इतने लोग पंचकूला में, चंडीगढ़ में पहुँच गए हैं। और इनको पहुँचने का उद्देश्य क्या हो सकता है सिवाय इसके कि प्रशासन पे, शासन पे एक तरह का दबाव बनाना है। तो धारा 144 लगा दें, आपको पहले से मालूम है कि लोग जाने वाले हैं, तो आप सीमाओं पे आदेशानुसार इनको रोक सकते हैं। पर ऐसा लगता है कि या तो सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं थे, या अगर निर्देश थे तो उनका पालन नहीं किया गया। कोई न कहीं तो कुछ चूक है।